हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको मालूम है ईएमआरएस की ऑल पोस्ट के लिए एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए। सभी पोस्ट के लिए, टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ईएमआरएस की जो एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, कब कब एग्जाम होंगे, कितनी शिफ्ट में होंगे और ऑफलाइन होंगे ऑनलाइन होंगे, पूरी जानकारी उस वीडियो में दे रखी है। तो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए और चैनल पर सबसे पहले सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों कि ईएमआरएस का जो आपका एग्जाम होने वाला है, मात्र 23 दिन अभी शेष बचे हुए हैं, तो फिर भी मैं आपको 20 दिन का स्टडी प्लान यहाँ पर लेके आने वाला हूँ, जो कि आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। देखिए, 3 दिन यहाँ पर हमारे निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने केवल 20 दिन बचाए हुए हैं कि 20 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। तो 20 दिन के लिए ईएमआरएस की लास्ट 20 डेज की रणनीति क्या होनी चाहिए, जिससे कि आप आखिरी ये 20 दिन में कैसे पढ़ें, जिससे आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। और यहाँ पर मैं जो पोस्ट के बारे में बात करूंगा वो रहेंगी आपकी जीएसए, लैब अटेंडेंट, अकाउंटेंट और हॉस्टल वार्डन। चार पोस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा वो जीएसए रहेगा, क्योंकि इसी के लिए सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ने जो है अप्लाई किया और सबसे शानदार जो जॉब है यही है। और मैं भी एक जीएसए रह चुका हूँ, तो आपको इसके बारे में बेहतरीन तरीके से जानकारी दे सकता हूँ। साथ ही साथ क्लासेस के बारे में बताऊँगा, बहुत सारी डिटेल बताने वाला हूँ, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस पर फोकस करना है, सारा कुछ डिटेल बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, ऑफिस से आया था, जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि आपका एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, सबसे पहले आके मैंने वीडियो बनाया, 6:30 बजे आया और अभी तक मैंने खाना भी नहीं बनाया भाई, रात के 9:30 बज रहे हैं। और देखिए, पालक है ये भी सूख चली है बेचारी, तो अभी सब्जी बनाऊंगा पालक की, बहुत अच्छी बनाता हूँ, आइए आप भी खाइएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको लास्ट के 20 डेज में पढ़ना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पूरा बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिलेबस भी आपको बताते चलूँगा कि जो आपका सिलेबस है उसमें क्या क्या आने वाला है, ठीक है। सिलेबस भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दूँगा कि क्या क्या आपका सिलेबस में आने वाला है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपका जेएसए का सिलेबस मैंने खोल रखा है ना, तो यहाँ देखिए, और मैं आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, क्लासेस कैसे आएंगी, वो भी आपको बताने वाला हूँ। देखिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, जेएसए की बात करें टोटल यहाँ पर 130 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबके मैंने यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और इसके आगे उसके कितने मार्क्स आने वाले वो, और किसकी पोस्ट है और कितने सब क्वेश्चन आने वाले हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, वो सब कुछ लिख रखा है। सबसे पहले जैसे की बात करें तो रीजनिंग आएगा 20 मार्क्स का, मैथ्स आएगा 20 का, हिंदी आएगा 15, इंग्लिश 15, कंप्यूटर 30 और जीके जीएस 30 मार्क्स का आपका आने वाला है। तो इसमें से किस सब्जेक्ट पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है अभी तक, आप जिस जो सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ चुके हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिए, और जिस सब्जेक्ट को आपने छुआ भी नहीं है, थोड़ा बहुत छुआ है, तो उसमें केवल आपको क्या करना है, केवल जो मेन टॉपिक है, जो आपको देखिए यहाँ पर सिलेबस दिख रहा होगा, सबसे पहले दिख रहा है आपको सिलेबस, तो इसमें से आपको क्या करना है, जो आपको सिलेबस दिख रहा है इसमें से टॉपिक चुन लेना, और जो आपका कमजोर सब्जेक्ट है उसमें आपको जो टॉपिक नहीं आता वो कर लीजिए, केवल ऊपर टॉपिक देख जाइए। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है तो केवल टॉपिक दिख गया ना, क्योंकि समय बहुत कम है, जिससे आपका लास्ट समय में कम से कम टॉपिक तो आपको याद रहेगा, हो सकता है एक आध क्वेश्चन उससे बनी जाए। तो यही बोलूँगा कि जो पहले से पढ़ रखा है उसको ज़्यादा इंप्रूव करिएगा बजाय नया पढ़ने की, इससे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होने वाला है। तो इसमें हमें ये सब्जेक्ट हमें इसमें किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर बता दूँ, सबसे पहले जो हाईलाइट रहेगा वो आपका रहेगा रीजनिंग। रीजनिंग तो आपको जो है जितने भी आपके एग्जाम पोस्ट हैं उसमें सब में आपको करना ही करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो टॉपिक रहता है वो रीजनिंग रहता है। दूसरी चीज़, मैथ आपको फोकस करना है, इसमें कम से कम आपको 17+ मार्क्स लेके आना होंगे, तभी आपका जो है सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बनते हैं। आगे आने वाली वीडियोज में बताऊँगा सेफ स्कोर क्या रहेगा, सेफ अटैम्प्ट क्या रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए, और हिंदी और इंग्लिश मैं यही बोलूँगा कि देखिए, दोनों का कोई हिंदी मीडियम से होगा, कोई इंग्लिश मीडियम से, और दोनों छात्र ऐसे होते हैं जिनका एक पॉइंट रहता है वीक, एक रहता है स्ट्रॉन्ग, और बहुत ही कम छात्र ऐसे होते हैं इनके दोनों स्ट्रांग होते हैं। तो मैं वही बोलूँगा कि जिसका जो स्ट्रांग है वो उसे और स्ट्रांग करे, और जो उसका वीक पॉइंट है उसे उतना पढ़ ले कि उसमें हमारा कम से कम 10 से 12 नंबर या 8 से 9 नंबर तो आई जाए, जो दूसरा सब्जेक्ट हो, और जो हमारा मेन टॉपिक है जैसे हिंदी है कोई हिंदी मीडियम से, तो उसमें कम से कम उसे 14 या 15 ही लाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत ईजी आने वाला है। तो ये एक आपका बहुत बढ़िया सोर्स रहने वाला है। सबसे ज़्यादा जो नंबर दिलाएगा वो आपको कंप्यूटर दिलाएगा, क्योंकि सिलेबस लिमिटेड होता है और आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराने वाला हूँ कंप्यूटर की, और सिलेबस लिमिटेड होता है और चुने हुए क्वेश्चन ही आते हैं इसमें, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होने वाला है, तो ज़्यादा कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, नॉर्मल सा पेपर आपका आने वाला है। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है कंप्यूटर पर करना है। इसके अलावा जीए और जीके पे, इस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है जीके और कंप्यूटर, दो ही सेक्शन आ रहे हैं।
फिर भी मैं जो मैं भी आपको ये कराने वाला हूँ, कंप्यूटर भी कराऊंगा, तो मैं जो कराऊंगा वो कर लेना और मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो वो कर लेना। इन दोनों सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है और इन दोनों को मत भूलिएगा, क्योंकि ये भी 40 मार्क्स दे रहे हैं और ये ऐसे सब्जेक्ट यहाँ पर कन्फर्म चांस होता है कि हमारे मार्क्स बनी आएंगे, और ये भी कन्फर्म होता है। बट इसमें थोड़ा सा हम कितना भी पढ़ लें फिर भी हमें पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसको भी आपको स्टार लगा के चलना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों में आपका एक रहेगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा फोकस आप कंप्यूटर पर करिएगा और इन दोनों पर, जीके पे भी करना है बट क्योंकि 30 मार्क्स का इसलिए फोकस करना है, ऐसा नहीं कि पूरा आप जीके पे चले जाए, क्योंकि 30 मार्क्स का इसलिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कम से कम आपको 15 प्लस मार्क्स तो इसमें लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, और मेरे जो द्वारा जो आपको टॉपिक पढ़ाए जाएंगे वो पढ़ाया जाएगा हिंदी, हिंदी में आपको पढ़ाने वाला हूँ, इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, कंप्यूटर और जीके जीएस। हो सकेगा तो आज रात से ही मैं आपको एक हाथ क्लासेस देने की कोशिश करूँगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, कहाँ कहाँ होगा अभी आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लो, क्लासेस कंटिन्यू जल्दी करने वाला हूँ, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट एक बार कर देना। तो ये रहेगा आपका पूरा जेएसए का कि कौन सा टॉपिक है, कितने मार्क्स आने वाला है, किस टॉपिक को कितना आपको वेटेज देने चाहिए, ये मैंने बता दिया। ठीक है, और अभी अब हम जो आगे की हमारी पोस्ट है उनके लिए हम बात कर लेते हैं, तो वीडियो को पूरे प्लीज़ पूरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका जेएसए के लिए कि किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं करना है। ठीक है, ये मैंने बता दिया, कंप्यूटर पे तो भाई करना ही करना है। अब आते हैं लैब अटेंड, अभी बताऊंगा कितने घंटे पढ़ना है डेली, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए, और जेएसए के लिए आप मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, टेस्ट बुक के 151 मॉक टेस्ट हैं, इसमें से 8 फुल लेंथ टेस्ट है, और अब सही मौका मॉक टेस्ट लगाने का, जैसे आपको पता चलेगा आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट ले लीजिए, ये देखिए, ये आपको टेस्ट बुक का दिख रहा होगा 449 का है शायद, और मेरा कूपन कोड लगा देंगे V1NW47 जो नीचे कोड दिख रहा है ना, और इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, जाएंगे कोड मांगेगा तो मेरा कोड लगा देना, डिस्काउंट मिल जाएगा 60-70 रुपये। ठीक है, तो वो आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारा हेल्पफुल रहने वाला है आपको ये। ठीक है, और मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी करा दूंगा साथ ही साथ, जो आपके MBS और KBS के एग्जाम में पूछे गए थे, क्योंकि उसी पैटर्न का ये पूरा आपका खेल होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, ये हो गया ना, अभी बताऊंगा कितने घंटे डेली आपको पढ़ना है। अब देखिए, लैब अटेंडेंट वाले हैं तो उनको किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, तो ये सबसे मैंने लिख दिया रेड कलर से, सब्जेक्ट नॉलेज। इसमें एक सब्जेक्ट नॉलेज नाम का टॉपिक है जिसमें 60 क्वेश्चन आने वाले हैं भाई, अगर आप इसमें से 30 प्लस क्वेश्चन बनाए जाते हो ना, तो सबसे आपको ज़्यादा इस पर ध्यान देना है, 30 प्लस क्वेश्चन अगर आपने इसमें बना लिए, और जीके में 15 मार्क्स की आने वाली है, 6 से 7 नंबर यहाँ उठा लिए। इंग्लिश में आपने इंग्लिश और हिंदी 15-15 मार्क्स करा है, यहाँ पर जो मैं कराऊंगा है ना उसमें से करा, इसमें से आपने 20 प्लस मार्क्स उठा लिए, और रीजनिंग में से भाई पूरे पूरे क्वेश्चन लेने की कोशिश करना, नहीं तो कम से कम 13 या 14 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो जो सिलेक्शन दिलाएगा आपको ये दोनों टॉपिक, ठीक है, ये तो पूरे करने करना है, और इसमें से ये थोड़ा देख सकते हैं, बट ये सबसे ज़्यादा आपका रहने वाला, जीके मैं पढ़ा दूंगा उतना पढ़ लीजिएगा, इस पर ज़्यादा फोकस मत करिए, बट इस पर इन दोनों पर और इस पर विशेष करके फोकस करिए, जो आप अगर लैब अटेंडेंट का पेपर देने आ रहे हैं 120 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इसके बाद अकाउंटेंट का अगर आप पेपर देने वाले हैं जाने वाले हैं, सब्जेक्ट नॉलेज फिर से 40 मार्क्स का आने वाला भाई, यही आपकी नैया पार कराने वाला है, जो भी आपका अकाउंट पढ़ा हुआ आपने ग्रेजुएशन में, तो वही आपको यहाँ पर चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा कंप्यूटर जीओ और जीके मिला के भाई 20 नंबर आने वाला है, क्या करोगे, इससे अच्छा तो आप जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ लेना, उसी में से आपका काम हो जाएगा, तो इस पर ज़्यादा फोकस मत करिएगा। फोकस आपको जो करना है हिंदी इंग्लिश, भाई 10-10 मार्क्स का है, कम क्वेश्चन आएंगे, बट अगर आप इसमें 15 प्लस क्वेश्चन कर दे तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। मैथ भाई, मैथ्स समझ लो, मैथ्स को दबा के करना है आपको, क्योंकि 30 क्वेश्चन है, इसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो यही है, और रीजनिंग तो मैं बोल रहा हूँ जितने भी आपके एग्जाम है रीजनिंग को तो छोड़ना ही नहीं भाई, क्योंकि सभी लोग रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसमें तो लेवल टेंड में तो मैथ था ही नहीं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन यहाँ पर और 40 यहाँ पर अगर कर लेते हैं, और यहाँ पर रीजनिंग तो करना ही करना, और इसमें से दोनों को आप जीए कंप्यूटर वाला सेक्शन छोड़ देंगे, मेरी जितनी वीडियो आएंगी वो देख लेना, उसमें से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद करते हैं हॉस्टल वार्डन की, हॉस्टल वार्डन का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। 120 क्वेश्चन इसमें आएंगे, इसमें जो हाईलाइट रहेगा वो रहेगा रीजनिंग, 20 नंबर का आने वाला है। दूसरा हाईलाइट रहेगा पॉक्सो एक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सिलेबस दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए लैब अटेंडेंट का भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, लैब अटेंडेंट का भी लगा देता हूँ, हालांकि टेलीग्राम पर डालूंगा। ये देखिए, ये लैब अटेंडेंट का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ। ठीक है, अकाउंटेंट का ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसमें भी डिटेल में डिस्क्रिप्शन, क्या क्या सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछेंगे। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन का भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कि किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे आने वाले हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हॉस्टल वार्डन का, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा हम इसे जूम करेंगे, तो देखिए यहाँ से पॉक्सो एक्ट आएगा 10 मार्क्स का। दूसरी चीज़,
एडमिनिस्ट्रेटिव आपका एक सब्जेक्ट हुआ था 30 मार्क्स का, पॉक्स वक्त में आपको चाइल्ड मैरिज, चिल्ड्रन सेक्स वगैरह, चिल्ड्रन लेबर, चाइल्ड लेबर, नेशनल चार्टर ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी, जेंडर रेशियो क्या है, यही सब आपको पढ़ना है। कुछ 8 से 10 टॉपिक हैं पॉक्सो एक्ट के अंदर, वो आप पढ़ लेते तो ये क्या बिल्कुल बेसिस चैप्टर है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। एक मतलब मान के चलिए 10 से 15 पढ़ने होंगे, वो अगर पढ़ लेते हो यहाँ पर पूरे में से पूरे मार्क्स ले सकते हैं। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव है आपका, इसमें से पूरे पूरे मार्क्स ले सकते हैं। 40 मार्क्स आपके योग है, 20 यहाँ से वगैरह रीजनिंग के, ठीक है। अगर आप इस 60 में से 50 कर लेते हैं तो बहुत शानदार रहेगा। इसके अलावा 20 मार्क्स का आपका कंप्यूटर आने वाला है, तो कंप्यूटर यहाँ पर फिर से हाईलाइट रहेगा। जी के आपकी 10 मार्क्स आई, करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 10 मार्क्स की है, मैं जो पढ़ा दूंगा उसमें से आपके 4-5 नंबर आ जाएंगे इजीली। इसके अलावा जो 30 नंबर आने वाले वो आएंगे आपके हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज आएगी जो आप चुनेंगे, आपकी क्षेत्रीय भाषा हिंदी, असमीज़ है ना, बंगाली, मराठी, बिहारी, जो भी आप चुनेंगे वो आएगी। तो ये 30 मार्क्स का आने वाला है, तो इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है हिंदी इंग्लिश में। जो रीजनल लैंग्वेज हो तो आपको ऑलमोस्ट आती होगी, तो अगर 30 में से इधर आप 20 प्लस कर लेते हैं इजीली तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा आपका, कुछ इस तरीके से आपको पढ़ना है। सिलेबस मैंने आपको सभी के बता दिए हैं किस किस तरीके से। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर कि भाई डेली कितना पढ़ना है। ये तो आपने बता दिया, ये है, ये आएगा, इतने क्वेश्चन आएंगे, इतना कैसे करना है, कौन सा हाईलाइट सब्जेक्ट है, कौन सा नहीं है, बट भाई डेली क्या करना है। और मैं एक बात फिर से बोलूँगा कि आप जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, जो आपका देखिए नंबर वन पर पोस्ट उसको रखना जो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। अगर आपने 2 एग्जाम भरे, और मैं तो यही बोलूँगा इसमें से जो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और जो कम वीक सब्जेक्ट है उसमें से केवल मेन मेन टॉपिक कर लीजिए, तो आपको क्योंकि 20 दिन बचा हुआ, 20 दिन में क्या ही करोगे आप, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि भाई डेली कितना घंटे पढ़े। अगर देखिए मैं एक बोल रहा हूँ, अगर आपकी स्टडी 50% हो चुकी है अभी तक या उससे कम है, तो डेली आपको पढ़ना पड़ेगा भाई 15 घंटे। भाई इससे नीचे अगर आप पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। 5 घंटे आप सोने के मान लीजिए, 4 घंटे में आपके क्रियाकलाप करिए, दिन भर के खाना पीना जो भी है, 15 घंटे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर डन हो जाएगा। अगर 50% या उससे कम स्टडी हुई है आपकी, 70% या उससे कम स्टडी आपकी हुई है, तो आपको डेली जो है 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। कितना? 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर आप JSA का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आपको 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगर आपकी 80% या उससे कम जो है वो है, तो आपको डेली 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके 90% या उससे ज़्यादा आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना डेली के। अगर आप 8 घंटे भी पढ़ेंगे नॉर्मल वे में, केवल मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे और कमियों को दूर करते रहेंगे, तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो जाने वाला है, ठीक है। अब चलिए मैं एक आपको स्टैंडर्ड एक टाइम बता देता हूँ सभी को मिला के, कि एक स्टैंडर्ड जो पढ़ने का समय रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा आपका 12 घंटे, ठीक है। 12 घंटे ही स्टैंडर्ड टाइम रहेगा। कि अगर आप डेली का 12 घंटे का मैं एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, 12 घंटे की स्टडी प्लान आप किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको 15 पढ़ना है तो उसमें आप किस तरीके से चेंजेस करेंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग करते रहो। मैं 12 घंटे के अकॉर्डिंग जैसे का स्टडी प्लान बता रहा हूँ किस तरीके से आपको कर सकता है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको करके बता रहा हूँ, यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग को आपको डेली के 1 घंटा देंगे तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद मैथ को आपको डेली के 3 आवर देना पड़ेंगे भाई, 20 मार्क्स का है। रीजनिंग में क्या छोटे टॉपिक होते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा आता नहीं, पर मैथ बहुत बड़ी चीज़ है, तो 3 घंटे आपको डेली देना पड़ेंगे अभी से 20 दिन तक लगातार। इसके अलावा आपकी आएगी GK, ठीक है, GK को 3 घंटे डेली, क्योंकि भाई 30 मार्क्स दे रहा है तो 3 घंटे डेली बनता है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर को 2 घंटे, क्योंकि 30 मार्क्स ये भी दे रहा है, ठीक है। तो मैंने जो हाईलाइट थे वो मैं यहाँ पर ले लिए। इसके अलावा आपका बसता है इंग्लिश और हिंदी, इसको आपको देना है 3 घंटे दोनों को मिला के, है ना। इसमें आप मैं फिर बोल रहा हूँ 1.5-1.5 घंटे कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, जो स्ट्रांग है उसको 1 घंटा, जो वीक है उसको 2 घंटे आप दे सकते हैं। तो कितना हो गया, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 घंटे के स्टैंडर्ड प्लान आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप इसे फॉलो कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप इसे चेंज कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड मैंने यहाँ। तो दोस्तों जैसे के 12 घंटे तो ये हो गए आपके। इसके अलावा आपको करना है हर 2 दिन में 1 मॉक देना है, हर 2 डेज में क्या करना है 1 मॉक देना है, क्योंकि जिससे आपको पता चलेगा आपकी कितनी तैयारी हो रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ेंगे तो आपका डेफिनेटली यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बता दी। आगे आने वाले मेरे वीडियोस रहेंगे, क्लासेस कब आएंगी, एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, साथ ही साथ सेफ स्कोर क्या रह सकता है, टेस्ट बुक का मैंने बता दिया, मॉक टेस्ट परचेस कर लेना, प्रीवी से पेपर करा दूंगा, सारा कुछ करा दूंगा, और बहुत मेहनत लगी। और दोस्तों कंप्यूटर के लिए मैं आपको ये एक लूसेंट की बुक है और एक MPPSC के लिए आती है निर्माण की बुक, ये मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। साथ साथ मेरे जो नोट्स हैं PDFs वगैरह बना के रखे वो आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ, है ना। कम से कम 1000 से 2000 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, ठीक है।
अब थोड़ा सा बस आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं कुछ बोर्ड पे भी पढ़ाऊँ आपको, कुछ अपने जो मेरी बुक्स हैं उसके थ्रू पढ़ा दूंगा, कुछ मैं पीडीएफ बना के पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा मैं, क्योंकि समय कम है, तो जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ने की कोशिश करिएगा, पर पढ़ने में आपको बहुत मजा आने वाला है ये बात की गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। और ये अपनी SSC की जो ब्रह्मास्त्र है GK का, ठीक है, ये मैं आपको कंप्लीट करा दूँगा, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो GK के क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये रहेगा आपका स्टडी का जो प्लान है वो मैं आगे बता दिया है किस किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। जल्दी आपको वीडियोस मिलने वाली, क्लासेस कंटिन्यू, तो उसके लिए सबसे पहले तो यार ये लिखा हुआ है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ये कर दो ना यार, नीचे जल्दी से कर दीजिए भाई, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी भाई, एक मार्कर हमारा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, एक सेकंड रुकिए दोस्तों, बता दिया है किस तरीके से पढ़ना है, ढेर सारी वीडियोज आपके लिए लेके आने वाला हूँ, ठीक है, दिन भर आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो पढ़ेंगे बहुत दबा के पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और अब सब्जी बनाने का समय हो रहा है, तो अब मैं अलविदा चाहूँगा, और वीडियो को अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेना, हो सकेगा तो एक वीडियो मैं रात को ही आपको अपलोड करने की कोशिश करूँगा स्टडी वाली, तो उसके लिए द एग्जाम हेल्पर GK पीछे GK जोड़ देना, उस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है डायरेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो द एग्जाम हेल्पर GK और द एग्जाम हेल्पर जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, दोनों चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लिए, ढेर सारी फ्री वीडियोस वगैरह मटेरियल जो भी होगा आपको वहीं पर देने वाला हूँ, कोई भी पल पल की अपडेट होगी आपको वहीं पर मिल जाएगी। और ये पूरा मैंने बता दिया किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो अभी क्लासेस हो सकेगा तो एक रात को ही मैं एक क्लास अपलोड कर दूंगा, तो उसे आप देखना ना भूलेगा, ठीक है। और अभी मैं जाता हूँ भाई, सब्जी बनाने का समय हो गया, रात के 9:30 बज रहे हैं, ये वीडियो अपलोड करूँगा तब तक 10 बज जाएंगे, और सब्जी बना रहा हूँ, बहुत अच्छी बनाता हूँ, आइए खाइए, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।